पेंट की छोटी सी दुकान चलाने वाले सादिक अली शहजाद ने मुजस्मा साजी की कदीम रवायत को अपनी नुदरत और बांकपन से कायम रखा हुआ है। किसी से सीखे बगैर उसने फन मुजस्मा साजी की तकमील के कई जहानों से गुजरकर अपने फन की तकमील का आगाज बानिये पाकिस्तान कायद आजम और मुफक्किरे पाकिस्तान इलामा इकबाल के मुजस्मों से किया और बहुत से शायरों की शायरी के थीम को मुजस्मों की शक्ल दी। ये जो है ये तो अहमद फराज साहब की शायरी पर जो है जो मुजस्मे तराशे गए हैं। इस तख्लीकी फनकार का कहना है कि वो मरने के बाद अपने फन पारों को गैर महफूज तसव्वुर करता है। वो इन एहसासात और जज्बात की हिफाजत न कर सके तो मेरे ख्याल में फिर इनको मेरे साथ ही जाना चाहिए। मशलिज्म के इस दौर में कोई भी फनकार अपने फन की कीमत लगाने से दरेग नहीं करता, मगर सादिक अली अपनी जिंदगी भर की मेहनत को अनमोल क्यों समझते हैं और अपने इन बेश कीमत मुजस्मों को फरोख्त क्यों नहीं करते? एक तो ये है कि ये नेशनल प्रॉपर्टी है, अगर ये मैं बेच दूं तो फिर ये गैलरी कहाँ बनती? संगलाख और बेजान मट्टी में हुस्न और लताफत पैदा करने वाला ये फनकार मुअस्सर पजीराई मिलने पर दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ अर्शद चौधरी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।